अभी आज एनएलएम के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चैप्टर के आखिरी में कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं आज। मतलब मैं 10-20 क्वेश्चन आपको देते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ पूरे एनएलएम में, ठीक है? जिससे कि आपको थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे वो सारे क्वेश्चन जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, ठीक है? वो सारे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँ, सारे टाइप के क्वेश्चन कराते हैं आज। जैसे मैं बोलूँ आपको कि पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन है 1 kg, 2 kg, और ये लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। और क्वेश्चन है, सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s², फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, दो कांटेक्ट पॉइंट है, दोनों जगह नॉर्मल रिएक्शन अपने को बनाना है। तो देखो क्या करना है, जैसे ये किस FBD बना लो पहले, सिंपल 1 kg का FBD बनाओगे तो बच्चों क्या होगा, 1 kg का FBD बनाएंगे तो ऊपर से लग रहा है 10 न्यूटन, उसका वेट भी है 10 न्यूटन, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन, और ये ऊपर जा रहा है 2 m/s² से, क्योंकि दोनों ही जा रहा है। तो इक्वेशन लिखो, n-10 - 10 = ma, 1 × 2, n की वैल्यू 22 न्यूटन, n1 बोल दो और इसके बीच n2। तो FBD ऑफ 2 kg लिखने जाओगे तो 2 kg का FBD बनाओ, तो 2 kg का FBD बनाने जाओगे बच्चों, 2 kg पे ऊपर से लग रहा होगा n1 जो कि आपका 22 आया है, और ऊपर से कुछ नहीं है, नीचे से n2, उसका वेट 20, और एक्सेलरेशन आपको पता ही है 2 m/s². इक्वेशन लिखो, n2 - 22 - 20 = ma, तो बन जाता है 42 + 4, 46 न्यूटन, ठीक है? आंसर हो गया 20 and 46 न्यूटन। ये जो PDF मिलेगा उसको आप खुद से भी सॉल्व करिएगा, ये वीडियो सॉल्यूशन में इसका दे भी रहा हूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, तो सेकेंड एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा कि वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ब्लॉक लीव्स कॉन्टैक्ट। बोल रहा है कि ये फोर्स एफ लग रहा है, ये थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू दिया है 3/4, और ये कितने केजी का ब्लॉक दिया है, ये ब्लॉक दिया है 2 kg का। क्वेश्चन में फिर से पढ़ दे रहा हूँ आपको, PDF के फॉर्म में नीचे है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन में मेरे पास जिस रेफरेंस से मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो दे दूँगा आपको। वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ब्लॉक लीव्स कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट छूट जाए, ठीक है ना? कॉन्टैक्ट छूटने के लिए, मतलब केवल ये बोलना, तो उसके लिए पहले फोर्स के दो कंपोनेंट कर लो। 37 डिग्री है तो F cos 37 मतलब 4F/5, F sin 37 मतलब 3F/5, इसका वेट है 20, तो नॉर्मल एक्शन 0 करना है, तो 3F/5 इज इक्वल टू 20, F = 100/3। तो ये तो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है F/3। तो टेक्निकली ये जो क्वेश्चन किताब में लिखा है वो बोला है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ब्लॉक लीव्स कॉन्टैक्ट। तो इनका थोड़ा सा मुझे
थोड़ा मज़ा कम आ रहा है मुझे इनके लैंग्वेज में। टेक्निकली इनको अच्छा से बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर ये मान लो यार इतना न्यूटन है तो जस्ट छोड़ रहा है, अगर इससे ज़्यादा हुआ मतलब 100/3 की बजाय 200 न्यूटन हो गया, तब तो और तब भी तो छोड़ ही देगा ना, तब तो उठ ही जाएगा ना। कॉन्टेक्ट छोड़ने का मतलब ये थोड़ी बोला है कि जस्ट छोड़े उठ जाए, तो इनको बोलना चाहिए व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ये मिनिमम वैल्यू है, ऐसा बोलना चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक। तो ये मिनिमम वाली बात बोलते तो ज़्यादा अच्छा लगता, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा होगा तो पक्का उठ जाएगा, कम से कम इतना लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल हो गया आपके लिए, थर्ड क्वेश्चन ये दिया है कि टाइम वेराइंग फोर्स लग रहा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, पोजीशन बताना है, एक ब्लॉक है, मास एम का फोर्स इस पे लग रहा है, टाइम वेराइंग फोर्स, फाइंड पोजीशन एट टाइम टी इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, कोई बात नहीं, फोर्स ये दिया है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, टी बाई एम, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम लोग डी वी बाई डी टी, तो वी को लिख सक इंटीग्रेट डी वी इक्वल टू हो जाएगा टी बाई एम डी टी, इंटीग्रेट कर दें तो वी इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू एम, जीरो से टी तक, इनिशियली रेस्ट में था वी तक। अब फर्दर हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, यानी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू एम डी टी, फिर से इंटीग्रेट कर दे जीरो से एक्स तक, जीरो से टी तक, तो एक्स इक्वल टू टी क्यूब बाई सिक्स एम मीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, काइनेमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन है ये, आसान सा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया है, अब आपसे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा है जिसको आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा कुछ बोल रहा है कि ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, टेन थीटा 1 3/4 दिया है, टेन थीटा 2 दिया है 4/3, और ये 2 kg का मास है, और ये पूरा सेटअप जो है 2 m/s² है, पूरा सिस्टम ऊपर चल रहा है 2 m/s² से। तो आपको पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन इन द लेफ्ट रोप, लेफ्ट मतलब इसमें आपको टेंशन टी बताना है, ठीक है, यही तो लेफ्ट होगा। चलो ठीक है, तो करने का तरीका बच्चों देखो, 2 बातें हैं, एक तो आपको पता है कि एक सिस्टम के अंदर किसी को सॉल्व करना, क्योंकि ये एक तरीके से सोचो लिफ्ट के अंदर स्प्रिंग स्ट्रिंग वगैरह दिया है, तो ऐसे प्रॉब्लम को चाहो तो चीटा बन के अंदर बैठ के सॉल्व करो, चाहे बाहर से सॉल्व करो, तो बाहर से सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेट करते हुए दिखाई देगा, ना अंदर बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट में दिखाई देगा, शूडो लगाना पड़ेगा, तो दोनों ही तरीके से विद रेस्पेक्ट टू चीटा ही करके देख ले, विद रेस्पेक्ट टू चीटा, तो शूडो लगाओगे तो एफ बी डी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक एम मास पे ही तो लगाओगे शूडो,
एम ए, तो 4 न्यूटन प्लस एम जी 20, 24 न्यूटन हो जाएगा क्या? 4 न्यूटन का शूट हो एम ए, चीटा का जो एक्सेलरेशन है ऊपर है ना, नीचे की तरफ लगा कर शूट हो एम इंटू ए प्लस 20 न्यूटन उसका वेट, दोनों नीचे ही लगेगा। दो स्ट्रिंग इसमें मान ले टी वन जो कि पूछना है, इसको बोल दे टी टू। आप सभी को पता होगा कि ये एंगल 37 दिया है, ये एंगल 53 दिया है, तो अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये, अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी 53 होगा, ये 53, ये 37, तो इधर बनाने की क्या ज़रूरत है? पूरा डायग्राम बस इसी को देखो, इतने को देखो। तो अगर ये 37 है तो T2 के दो कंपोनेंट कर लो, T2 cos 37, 3T2 by 5, 4T2 by 5, और इसका 3T1 by 5, दोनों आपस में बराबर कर दें तो 3T1 by 5 इक्वल टू 4T2 by 5, 3T1 इक्वल टू 4T2 पहला इक्वेशन बन गया। आपस में वर्टिकल वाला वेट बैलेंस कर रहा होगा, 4T1 by 5 प्लस 3T2 by 5 इक्वल टू 24, तो 3T1 अपने को बताना है, तो T1 बताना है, तो T2 की जगह रख दे क्या, 4T1 प्लस 3T2 की जगह रख देते हैं 3 by 4 T1 इक्वल टू 120, तो 4 प्लस 9 by 4 T1 इक्वल टू 120, 16 और 25, 25 by 4 T1 इक्वल टू 120, T1 की वैल्यू आ गया 120 इंटू 4 बाई 5 इंटू 5, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 24, 96 by 5 न्यूटन। तो आंसर जो आ गया 96 by 5 न्यूटन, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का, दूसरा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आप देखते तो कैसे करते तब तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। तब इस पे देखो क्या करते हैं, इधर से लग रहा है T1, इधर से लग रहा है T2, इधर उसका वेट mg और एक्सेलरेशन दिया है 2 m/s². तो ये तो 37 है, ये कंपोनेंट डायरेक्टली लिख लेते हैं क्योंकि कंपोनेंट तो आप कर ही लिए हो। 3T1 by 5 ऊपर लग रहा है, 3T2 by 5, 4T1 by 5, इधर के दोनों बराबर कर लेते और इधर का ये दोनों माइनस दिस इक्वल टू ma कर लेते हैं। तो बेसिक तरीका है वो कर लोगे आप, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। पांच नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी द टेंशन इन द रोप सच दैट प्लैंक इज अबाउट टू लिफ्ट फ्रॉम द सरफेस। कह रहा है ये क्वेश्चन कि ये ग्राउंड पर एक प्लैंक रखा है, इस पे एक बच्चा है जो नीचे की तरफ, प्लैंक का मास है m2, बच्चे का मास है m1, आपसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द टेंशन इन द रोप सच दैट प्लैंक इज अबाउट टू लिफ्ट फ्रॉम द सरफेस।
प्लैंक इज अबाउट टू लिफ्ट फ्रॉम द सरफेस, मतलब जस्ट अबाउट टू लीव द ग्राउंड, मतलब इसका कहने का मतलब वो टेंशन बताओ जिससे कि ये कॉन्टैक्ट लूज कर जाए. कॉन्टैक्ट लूज करने का मतलब क्वेश्चन में जो फिर से समझिएगा, प्लैंक इज अबाउट टू लिफ्ट फ्रॉम द सरफेस, प्लैंक इज अबाउट टू लिफ्ट, यही बोल रहा है अबाउट टू लिफ्ट फ्रॉम द सरफेस, जस्ट अबाउट टू लिफ्ट फ्रॉम द सरफेस मीन्स नॉर्मल रिएक्शन जीरो बिटवीन प्लैंक एंड ग्राउंड. ग्राउंड और इसके बीच कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, तो पहले तो एफबीडी देख लो क्या होना चाहिए उस समय टेंशन. प्लैंक का एफबीडी बनाओ, जस्ट वही सिचुएशन बनाना है तो टेंशन इस स्ट्रिंग में मान लो टी वन टी है, इसमें भी टी है, तो ये टी लगा और चाहो तो ये पूरे को एक साथ बना सकते हो, आप पूरे को एक सिस्टम मान के कर सकते हो कि बालक को भी इसी पे रख लें और बालक पे भी लग रहा है टी, ठीक है, और ये पूरे का मास जो होगा, पूरे का मास होगा m1 प्लस m2 इंटू जी, नॉर्मल एक्शन n, n बराबर जीरो कर दो तो 2t इक्वल टू दिस, तो t इक्वल टू m1 प्लस m2 बाई 2g. ये तो डायरेक्टली आ गया, ठीक है. दूसरा तरीका, आप अलग अलग एफबीडी बना लो, तो अलग अलग एफबीडी बना के आप सोचोगे तो देखो क्या होगा. प्लैंक पे टी लगा, इसकी वजह से नॉर्मल एक्शन एन वन लगा और इसका एम टू जी. मैन का अलग बनाओगे तो एन वन ऊपर लगेगा, उसका वेट एम वन जी नीचे लगेगा और इस पर टी ऊपर लगेगा और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है. तो टी प्लस एन इक्वल टू एम वन जी, और यहाँ पे देखोगे तो टी प्लस टी माइनस एन इक्वल टू एम टू जी, दोनों जोड़ दो तो वही आ जाएगा, ठीक है बच्चों. तो ये तब की बात पूछा था कि जस्ट उठ जाए प्लैंक और ग्राउंड के बीच कॉन्टेक्ट जस्ट लूज हो. अगला जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है ये दो पुली है, ये 2 kg, ये 3 kg, 2 kg, 2 kg, 3 kg. आपको पूछा गया है फाइंड एसेलेरेशन ऑफ 3 kg, एसेलेरेशन ऑफ 3 kg पूछा गया, ठीक है, कोई बात नहीं. दो पुली वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, कंस्ट्रेंट भी यूज होगा, दोनों का एसेलेरेशन तो सेम नहीं होगा, एक से ज़्यादा पुली हो तो एसेलेरेशन सेम नहीं होता. इसको ऊपर मान ले जाता हुआ A1 से, इसको नीचे मान ले A2 से, तो इसमें T होगा तो ये भी T होगा, तो ये भी T होगा, ये भी T होगा, ये एक ही स्ट्रिंग है. इस बारे पुली को देखो तो ऊपर 2T लग रहा है, नीचे भी 2T लगना चाहिए क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो ही होता है. इधर 20 न्यूटन, इधर भी 20 न्यूटन, लिखो जरा. इसके लिए ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस 20 इक्वल टू 2A1. इसके लिए क्या लिखोगे, नीचे आ रहा है 3 kg है ना, 30 माइनस 2t,
थ्री ए टू पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन कंस्ट्रेंट का। चलो बताओ कंस्ट्रेंट का, जरा सोचो। ये पुली का ये एंड ये एंड, ये ए टू से नीचे आ रहा था, ये भी ए टू से आएगा नीचे, ये भी ए टू से नीचे आएगा, ये ए वन से नीचे आ रहा था। इसमें देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है, ये दोनों जीरो हैं, तो ये दोनों जीरो हैं, तो कैसे लिखोगे आप? ये जीरो ये बढ़ा रहा है, इसमें देखो ये बढ़ा रहा है, ये जीरो, इसमें देखो ये जीरो, इसमें देखो ये आपका कम कर रहा है, माइनस ए वन बराबर जीरो। तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन सॉल्व कर लोगे तीनों इक्वेशन, तो ये तीनों आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स तो हो गया। कंस्ट्रेंट का लिखने का बच्चों तरीका जैसे आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन करने का यहाँ पे एक तरीका तो आपने देख लिया, कंस्ट्रेंट को दो तरीके से सॉल्व करना हमने आपको बता दिया था, पुली मेथड से भी और ऐसे भी, ठीक है। और मुझे याद होगा कि एक मेथड और भी है, टेंशन मेथड, जो आपको बाद में हम समझाएंगे, पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। छः नंबर क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ प्रॉब्लम उठाते हैं, कंस्ट्रेंट से ही रिलेटेड है वो भी। ये 1 kg, ये 2 kg, आपको पूछ रहा है फाइंड एसलेशन दोनों का बताओ, ठीक है, दोनों का एसलेशन पूछा है। तो मान लो ये 1, इसका ए 1, इसका ए 2, और टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करो बच्चों, तो इसमें टी मान ले, तो ये भी टी, तो ये वही स्ट्रिंग है टी टी, ये भी वही स्ट्रिंग है टी टी, ये भी वही स्ट्रिंग है टी टी, ये देखो इसमें 2T हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो करना है, इधर 10 न्यूटन, इधर 20 न्यूटन। इसके लिए इक्वेशन बोलो क्या होगा, 3T - 10 इक्वल टू 1 × a1। इसके लिए इक्वेशन बोलो, नीचे माना है आपने आता हुआ टी इक्वल टू ए टू वाला इक्वेशन, उसका कंस्ट्रेंट का लगाओ। चलो देखो ये घटा रहा है 8 - a1, ये जीरो, ये भी जीरो क्योंकि रुका हुआ है। इसके बाद ये देखो, तो ये तो आपने माना ही है कि ये ब्लॉक A1 से जा रहा है, तो मतलब ये भी सारे पॉइंट A1 से जा रहे होंगे, तो मतलब ये दोनों A1 से घटा रहा है, माइनस A1, ये जीरो, ये जीरो, ये बढ़ा रहा है, नीचे आ रहा है क्योंकि, ठीक है। तीन इक्वेशन, तीन अननोन आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्यूशन वाला पार्ट मैं आपके भरोसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व करिएगा। सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है वो आप लोग खुद से करिएगा, और ऑप्शन मैं आपको बता दूं, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, 5g/19 डाउनवर्ड A1, सॉरी अपवर्ड, और A2 जो हो जाएगा, जो सॉल्व किया होगा, 15g/19 डाउनवर्ड, ठीक है। ये आप करिएगा, आंसर चेक करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। सेवन के बाद एट्थ क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने ऐसा दिया है कि एक रॉड है और ये एक पुली है, एक मास है और एक ये रॉड के साथ एक रिंग है। मास 2m का, ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे है। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर। सिस्टम इज रिलीज्ड, क्वेश्चन नंबर एट हम लोग पढ़ रहे हैं। सिस्टम इज रिलीज्ड अ रिंग ऑफ मास 2m कैन मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल रॉड एट दिस पोजीशन, फाइंड एसेलेरेशन ऑफ 2m एंड m। इस इंस्टेंट पे दोनों का एसेलेरेशन बताओ। ठीक है, देखते हैं। ये mg, ये t, ये t, ये t, ये t, ये 2mg। रिंग का FBT देखोगे तो 2mg नीचे लग रहा है, इधर से t लग रहा है। तो ये देखो, जब खींचोगे तो इधर से नॉर्मल एक्शन अंदर से लगेगा ना, नॉर्मल एक्शन n इक्वल टू t हो जाएगा दूसरा। और 2mg नेट, इधर कोई फोर्स है नहीं तो 2m है, a इक्वल टू g, नीचे की तरफ आएगा ये। इस मोमेंट पे इसको देखो तो t इक्वल टू mg हो जाएगा, क्योंकि अभी तो कोई ये इधर की तरफ तो जा नहीं रहा है, तो ये खींचेगा नहीं, तो ये कुछ नहीं होगा, तो ये रेस्ट में रहेगा। इस मोमेंट पे इंस्टेंटली जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट हो गया। क्वेश्चन नंबर एट के बाद आपको क्वेश्चन नंबर नाइन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन दिया है, एक लिफ्ट के अंदर एक वेज है 37 डिग्री और लिफ्ट जा रहा है जी से, इसका एक्सेलरेशन बताना है। आपको पूछा गया है द वेज इज मूविंग, सॉरी, द वेज इज मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन जी, व्हाट इज द एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ मास एम। ठीक है, तो अब चीटा बन के यहाँ पे सॉल्व करोगे लिफ्ट का, तो जो एम ऊपर तो नीचे एम जी, एक तो लगाओगे शूडो वाला प्लस एक वेट वाला एम जी, तो इधर की तरफ कंपोनेंट फोर्स कितना आएगा, 2mg साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए मान लें तो एम ए इक्वल टू 2mg साइन थीटा, ए इक्वल टू 2g की वैल्यू 10, साइन थीटा की वैल्यू 3/5, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर नाइन। वैसे भी आपको पता है जी साइन थीटा होता है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जी को जी प्लस ए से रिप्लेस कर दो तो 2g साइन थीटा हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर नाइन के बाद, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे। क्वेश्चन नंबर टेन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 3m एंड m। फिर से बच्चों वही क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं पड़ा है। तो इसको नीचे मान लो a1, इसको ऊपर मान लो a2, ये 3mg, ये mg। अब इस स्ट्रिंग में t मान ले तो ये भी t, ये भी t, t। तो ये देखो, ये t ऊपर लग रहा है तो नीचे दोनों में, ये वाला स्ट्रिंग तो एक ही है तो इसमें एक ही बराबर मानना पड़ेगा, t/2 मानना पड़ेगा, तभी तो ऊपर t लग रहा है नीचे t बन पाएगा। इक्वेशन लिखो पहले, तो देखो ये वाला नीचे आ रहा है
माइनस ए वन जीरो, यहाँ पे भी जीरो। ये देखो तो ये वाला एंड यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखो, इसमें यानी ये वाले पुली में देखो तो, अब इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे लाके देखो तो ये एसलेशन ए, ये रेस्ट में है तो ये ए वन से अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये वाला ए वन से ऊपर जा रहा होगा, और ये वाला इस पुली को ध्यान से देखो तो ये पुली ऊपर ए वन से बना, क्योंकि ये ए वन से नीचे आ रहा है तो ये वाला रेस्ट में है तो ये ए वन से ऊपर जा रहा होगा। इधर वाला एंड तो इसी ब्लॉक से ही जुड़ा है, तो ब्लॉक से जुड़ा है तो ए वन से नीचे ही आएगा। ये ऊपर जाता हुआ ए टू है, तो इसके लिए पुली का इक्वेशन लिखोगे तो ए वन इक्वल टू ए टू माइनस ए वन बाई टू, पहला इक्वेशन रिलेशन आ गया। और डायरेक्टली नेट लेंथ कॉम्प्रेशन वाले से बात करोगे तो देखो ये है, उस बेसिस पे तो ये रेस्ट में और ये वाला पॉइंट देखो क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में, तो ये भी पूरा रेस्ट में प्लस जीरो, और ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है माइनस ए वन, ये वाला पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, सॉरी नीचे आ रहा है प्लस ए वन ना, ये प्लस ए वन माइनस ए टू। देखो उस बेसिस पे देखा जाए तो थ्री ए वन इक्वल टू ए टू आएगा रिलेशन। कॉम्प्रेस करो तो ये बढ़ाने का काम कर रहा है जीरो जीरो, और ये वाला भी देखो तो ये जीरो है, और ये दोनों पुली जो आ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको पुली बदल गया, तो यहाँ पे नेट लेंथ वाले मेथड से तो आप फंस जाओगे। जब एक स्ट्रिंग रहता है नेट कॉम्प्रेशन सब कर लेते हैं आसानी से, ऐसे में क्या किया करो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया करो। ठीक है, ये थोड़ा वैसे कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, आगे मैं एक बहुत आसान मेथड बता दूंगा। बाकी इक्वेशन लिखना तो आपको पता ही है, 3mg माइनस t इक्वल टू 3mg माइनस t इक्वल टू 3ma1, और इसके लिए लिखोगे t बाई टू माइनस mg इक्वल टू ma2। दसवां क्वेश्चन भी हो गया। तो बच्चों ये 10 प्रॉब्लम आपके लिए मैं दिया हूँ, ठीक है, और ये 10 के 10 प्रॉब्लम आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा। और मैं आपको बोलूँ ठीक है बच्चों,